हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अभय है, मैं एक एस्पायरिंग एक्टर और एक मॉडल हूँ। मैं अपने इस एक्टर और मॉडल बनने की पूरी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग जानती हो। सॉरी पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्योंकि आज मैं फिर से काफ़ी दिनों के बाद गेट पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, सो इग्नोर करना। और हाँ, मैं बनियान हूँ, मैंने टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि अभी मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ की गर्मी अभी क्या ही बोलूँ मैं। सो वीडियो का टाइटल पढ़ के तो समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तुरंत जजमेंटल मत होना कि हैं खुद तो मॉडल बना नहीं और अपने दोस्त को बनाएगा या अपने दोस्त को मॉडल बनाएगा उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करेगा। देखो, जजमेंटल मत हो, सेंटीमेंटल मत हो, पहले वीडियो को पूरा देख लो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर। सो गाइज, ये मेरा दोस्त राघव है, से हाय टू द ऑडियंस। हमारी दोस्ती लास्ट वाली थिएटर ग्रुप में हुई थी, वो तो थिएटर ग्रुप छूट गया, मेरा सारे लोग छूट गए, लास्ट में बचा ये। हम दोनों में दो चीज़ें कॉमन है, बहुत कॉमन है, लाइक वी बोथ बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड एंड वी बोथ हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो हम दोनों की लंका हमेशा लकी पड़ी रहती है। सो मैं आज इसकी प्रोफाइल बिल्डअप करने वाला हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि मैं इसे मॉडल बना दूंगा, मैं इसकी प्रोफाइल बिल्ड करूंगा और उस प्रोफाइल के थ्रू बहुत सारे मॉडलिंग वर्क्स हम लोग अचीव करेंगे, बहुत सारे सूट्स अचीव करेंगे। लाइक दिल्ली में यू नो बहुत सारे कमर्शियल सूट्स होते हैं, लाइक दिल्ली में ज़्यादा एक्टिंग वगैरह तो नहीं होते हैं, बट हाँ टीवीसी, डिजिटल एड्स, कैंपेन सूट्स, कैटलॉग सूट्स होते हैं, ई कॉमर्स सूट्स होते हैं, प्रिंट सूट्स होते हैं, तो ये सारे हर रोज़ होते हैं और दिल्ली बहुत बड़ा है यार, ऑब्वियसली तो हर रोज़ होते हैं। तो हम लोग अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे, ये मेरी बनाएगा, मैं इसकी बनाऊँगा मॉडलिंग प्रोफाइल। मैं इसकी बनाऊंगा और ये मेरी बनाएगा मॉडलिंग प्रोफाइल। प्रोफाइल यू नो व्हाट, जब हम दिल्ली के बाहर होते हैं तो मॉडलिंग के लिए हमारे माइंड में बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ होते हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके, लाइक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है काम पाने के लिए, यहाँ पे जल्दी काम नहीं मिलते, यहाँ पे बहुत सारे ठग लोग बैठे हुए हैं जो आपका पैसा खाना चाहते हैं। लिसन, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, बट ये हाफ नॉलेज है, ऐसा ये पूरा सच नहीं है और ऐसा बहुत ही कम होता। लाइक मेरे भी ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हुए और मैंने जिनसे भी मिला वो सारे बहुत ही काइंड और हम्बल पर्सन थे, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ठग फूस तो वो तो हर इंडस्ट्री में होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जब आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो आपको एक प्रॉपर रिसर्चिंग करनी होती है, पहले आप प्रॉपर उस फील्ड के बारे में रिसर्च करो तब आओ, नहीं तो फिर तो काटा ही जाएगा आपका। एक बात और, हम लोग सोचते कि ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है, बहुत चकाचौंध से भरी हुई है। लिसन, आई एक्सेप्ट बहुत ग्लैमरस है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही पैशन और हार्डवर्क की भी ज़रूरत होती है और इस इंडस्ट्री में मोस्टली पैशनेट और हार्डवर्किंग पीपल ही आपको मिलेंगे। मुझे ना लास्ट मंथ एक मैसेज आया था लाइक कि भैया मेरे 80,000 रुपये किसी ने ठग लिए सूट के नाम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी तुम इस फील्ड में आते हो पहले प्रॉपर रिसर्च करो कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती, कैसे वर्क करती है, तुम कैसे किसी को 80,000 रुपये दे सकते हो। लाइक 80,000 ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है यार, प्रॉपर पहले रिसर्चिंग करके आओ। लाइक तुम किसी को पैसे दे रहे हो सूट्स पाने के लिए, लिसन ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि तुमने पैसे दिए सूट ले लिया वो लाइफ टाइम का होता है, ये सूट 1 या 2 दिन का होता है, एक सूट खत्म होता है फिर तुम्हें अगले के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ये ऐसे वर्क करता है। तो तुम हर किसी के लिए पैसा कैसे दे सकते हो भाई, 80,000 तुम कैसे दे सकते हो यार, इतने में तो लाइक मैं अपनी थिएटर की जर्नी पूरा कर लूँगा, मैं अपना पोर्टफोलियो बनवा लूँगा, इनफैक्ट मैं मुंबई 2 महीने स्ट्रगल करके भी आ जाऊँगा और तुम 80,000 ऐसे ही फूंक दे तो भाई, मतलब हाथ नहीं कांपते तुम्हारे ट्रांसफर करते हुए। ऐसा सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी हम लोग ज़्यादा फोकस एक्टिंग पे नहीं दे सकते बिकॉज एक्टिंग के लिए हमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। सो अभी हमने ये डिसाइड किया कि दिल्ली में लाइक बहुत सारे मॉडलिंग सूट्स होते हैं, तो हमने सोचा कि अभी हम पूरा फुल फोकस मॉडलिंग पे देंगे, मॉडलिंग में भी कमर्शियल मॉडलिंग में, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं इससे हमारे क्राफ्ट में भी इम्प्रूवमेंट होगी और अगर बाय चांस गलती से भी लकीली अगर हम इसमें हिट हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मॉडलिंग के थ्रू भी हमें एक्टिंग में ब्रेक मिल जाता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है। सो अभी बस स्ट्रगलिंग का टाइम है और हमारा दिमाग जहाँ से जैसे जो भी आइडिया हो रहा है जैसे होता है बस करते हैं, हर तरह से दिमाग दौड़ा के देखते हैं क्योंकि अभी टाइम है भाई रिस्क लेने का, अभी अपन फुल ऑन रिस्क लेते हैं, अभी जो भी चीज़ माइंड में आ रही है हर तरीके से इसे एक्सप्लोर करना है। यू नो व्हाट, दिल्ली में हर रोज़ सूट्स हो रहे हैं यार, हर रोज़ लिटरली हर रोज़ मेरे आंखों के सामने सूट्स हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक अब मुझे ना थोड़ा एग्रेसिव होना होगा, एग्रेसिव इन द सेंस ये नहीं कि मैं सबसे लड़ाई झगड़ा करता फिर, नहीं, एग्रेसिव इन द सेंस मुझे प्रोफेशनली एग्रेसिव होना होगा, मुझे एग्रेसिव होना होगा टुवर्ड्स माई प्रोफेशन। लाइक अब मैं अपनी प्रोफाइल पे काम करूँगा, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करूँगा
एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल उस पर काम करूँगा और प्रोफाइल्स को जितना हो सके हर रोज़ सेंड करना है लाइक फॉर अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे प्रोफाइल्स में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर पहले भी वीडियो बना रखा है बट इस बार फिर से मैं बता देता हूँ मैं प्रोफाइल्स किस तरह बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी मेजरमेंट्स ऐड होगी, दूसरी पोलराइड्स ऐड करेंगे, तीसरी ऑडिशन वीडियो और इंट्रोडक्शन वॉकिंग वीडियो, फिर उसके बाद एक ये वाली पोजिंग वीडियो। बिकॉज ऐसा है कि अभी हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, यू नो व्हाट, बिना पोर्टफोलियो के भी हम कर सकते हैं जैसा कि मुझे लगता है। मैं कुछ जुगाड़ करूँगा, मैं पोर्टफोलियो की जगह इस वीडियो से रिप्लेस कर दूँगा बिकॉज पोर्टफोलियो के मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो हम इस पोर्टफोलियो की जगह इस वीडियो को यूज़ करेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम कैटेलॉग सूट्स और ई कॉमर्स सूट्स ईजिली अचीव कर सकते हैं जैसा कि मुझे लगता है। अब मुझे नहीं, मैं कन्फर्म नहीं हूँ बट ऐसा मुझे लगता है। हम ट्राई करते हैं, अगर किसी कंपनी ने हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और हम वर्क अचीव कर लेते हैं ये तो अच्छी बात है, तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। होना ना होना वो बात की बात है, हम तो एटलीस्ट पहले कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। यू नो व्हाट, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं ऑलरेडी 12 सूट्स से बड़े बड़े ब्रांड के सूट्स में शॉर्ट लिस्टेड होकर रिप्लेस हो चुका हूँ, और मैंने लास्ट मंथ इमेजेस बाजार का भी एक सूट लूज कर दिया अपनी एक लापरवाही की वजह से, छोटी सी लापरवाही की वजह से। बट इस बार मैं कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ, मैं इस बार अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से प्रोफाइल बिल्ड करूँगा। कोई बात नहीं, मैं 12 सूट से रिप्लेस हो गया, 12 सूट्स क्या, अगर मुझे 1200 सूट से भी रिप्लेस कर दो फिर भी मेरा मनोबल कम नहीं होगा। मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा, करता रहूँगा, मैं हार नहीं मानूँगा। मैं दिल्ली हार मानने के लिए नहीं आया, चलो काम पर लगते जाते। ये है हेयर बैग्स, ये फेस वॉश, ये हेयर स्प्रे हेयर को लॉक करने के लिए, कोल राउंड। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइलिस्ट से। अभी मैं भाई की सबसे पहले हेयर स्टाइल करूँगा, खुद से करूँगा, ओके। सो मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ मैं बता देता हूँ। मैं वैक्स यूज करूँगा, हेयर स्प्रे यूज करूँगा, फेस वॉश, और मैं खुद से अपने हाथों से मैं इसके हेयर को स्टाइल करूँगा। मैंने सीखा भी, नया नया सीखा, यूट्यूब से ही सीखा है, तो तुम्हें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता देना, मैं बना दूंगा हेयर स्टाइलिंग। चलिए अब हम अभय पे ट्रस्ट करेंगे और हम अभय पे फर्स्ट टाइम ट्रस्ट करेंगे कि ये क्या करने वाला है। मैं अच्छे से करूंगा, देख मैं क्या खतरनाक स्टाइलिंग करता हूं इसकी, हेयर स्टाइलिंग। हां, हेयर स्टाइलिंग के बाद मैं इसकी पोलराइड शॉर्ट लूंगा, फिर मैं भी टी शर्ट पहनूंगा, फिर मेरी भी पोलराइड ली जाएगी। वॉकिंग इंट्रोडक्शन वीडियो, स्टे कनेक्टेड। सेट हो चुके हम दोनों के हेयर, लॉक लुकिंग उधर देखो, लॉक लुकिंग और इधर देखो। सो हम दोनों के हेयर लॉक हो चुके, सो आप लोगों ने देख लिया। अब हम शूट करेंगे पोलराइड्स, वॉकिंग इंट्रोडक्शन वीडियो, पोजिंग वीडियो, बॉडी मेजरमेंट्स हमने ऑलरेडी ले रखी है, तो अब हम अपनी प्रोफाइल फटाफट रेडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये सो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम आ चुके हैं छत पे। अभी हम लोग लोकेशन चेक करेंगे कि कहाँ पे पोलराइड शूट करना है और वॉकिंग इंट्रोडक्शन वीडियो। सो लाइटिंग वगैरह वो सब चीज़ सभी चीज़ चेक कर लेते हैं, और पीछे वाइट बैकग्राउंड तो दिख ही रहा होगा। एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे शूट करता हूँ। फिर हमारा छत और हम पोलराइड्स यहाँ पे शूट करेंगे डिजिटल, बिकॉज देखिए यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है, वाइट शूज़ है, ब्लैक डेनिम जीन्स है और ब्लैक टी शर्ट है, तो पोलराइड्स के लिए तो सारे सिचुएशंस यहाँ पे मैच कर रहे हैं। वाइट बैकग्राउंड सबसे मस्त, सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है। और वॉकिंग इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग इस फ्रेम में शूट करेंगे, लाइक वहाँ से हम एल बनाएंगे, सामने आएंगे यहाँ पे, फिर इंट्रोडक्शन देंगे, फिर वापस वॉक करके चले जाएंगे। अब हमारा दोस्त भी आ चुका है, तो हम जल्दी से प्रोफाइल अपनी स्टार्ट करते हैं। We'll be right back.
Hi, my name is Abhay. I'm 21 years old. My height is 6 feet and these are my profiles. लाइन में जाइयो। कौन सा लाइन पे तो खड़ा है? आगे खड़ा लाइन है। फिर एक पाँव पीछे ले जाते हैं, ठीक ना? फिर ऐसे टर्न लेते, फिर वापस बैक। अच्छा एक बार देख, अब चल रहा है। पैर और सीधा। हाँ लाइक जब तुम ऐसे आते हो ना यार सामने, तो लेफ्ट नॉर्मली ये होना है, लूज होना है थोड़ा सा, बिकॉज तुम अपना क्लॉथ शो कर रहे हैं रैंप पे। अगर तुम लेफ्ट लेना चाहते हो लेफ्ट लेके टर्न ले लो, या इधर देखो, या तुम राइट लेते हो राइट ही हो तो राइट लेके टर्न ले लो। अच्छा लाइक दिस वे, ओके। मान ले तू सामने से मार रहा, पीछे ऐसे होंगे ना, तो उसमें क्या करना, सिंपली ऐसे हो जाके यहाँ पे नॉर्मली करना है ना, तो ठीक करते प्रोफाइल रेडी कर ली है। अब हम इसे सेंड करना स्टार्ट करेंगे अलग अलग एजेंसीज में और कास्टिंग कंपनीज में। कोशिश करेंगे कुछ मॉडलिंग वर्क वगैरह कुछ भी अचीव कर लें तो हमारे लिए बेहतर होगा, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यू नो, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है कभी। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पिछले 4 घंटे से हम शूट कर रहे हैं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। काफ़ी थक चुका हूँ यार, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट मैंने एक वॉकिंग इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया, पॉल राइट शूट्स कर लिए हैं, पोजिंग वीडियो, मेजरमेंट्स, और भी कुछ होता है पोर्टफोलियो को, तो अभी पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं, अगर हमारा काम बनता है तो फिर बल्ले बल्ले। अभी आपसे बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो आप सपोर्ट करो, क्योंकि फाइनली मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। एंड इसके लिए सभी को थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया सभी को जिन्होंने भी मेरे इतने स्टार्टिंग फेज में मेरे इस जर्नी को ज्वाइन किया, इस जर्नी का हिस्सा बना, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया आप सबको। तो मैं बस लास्टली यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार दिखाएँ, सपोर्ट दिखाएँ, वीडियो को लाइक करें, और आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस कुछ भी हो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, आज तक एक भी कमेंट मेरे किसी भी वीडियो में आप बिना रिप्लाई के नहीं देखोगे। सो सपोर्ट करो, क्योंकि देखो अगर मेरी जर्नी आगे बढ़ती है स्मूथली तो कहीं ना कहीं इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करके अच्छे से डालता हूँ यूट्यूब पर। तो कहीं ना कहीं अगर आप कल को आपको भी इस फील्ड में आने का मन हो तो आप चीज़ों को समझ पाओगे बेहतर कि कैसे एक्चुअली में ये इंडस्ट्री वर्क करती है, और इससे आपको फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। और सपोर्ट करो यार, तुम्हारे सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। मैं हर एक चीज़ों को, हर एक फेज को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ, यू नो, मेरी वीडियोज़ से पता। हाँ आई नो मेरी वीडियोज़ हमेशा लंबी हो जाती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट मैं चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एलिब्रेट कर देता हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा थोड़े शॉर्ट ही रखूँ वीडियोस को, और आप लोग सपोर्ट करो, मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी। मैं अपनी जर्नी के हर एक फेज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जो आने वाले अपकमिंग एस्पायरिंग एक्टर्स और मॉडल्स हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, उनको मदद हो
और वो चीज़ों को समझ पाए ज़्यादा बेहतर वे में। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम आई डी सी बी अवे। सो थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।